प्रेम स्नेह मातृत्व का आधार हो तुम, नारी शक्ति का रूप हो तुम। इस दुनिया को जिसने संवारा वो माँ बहन बेटी पत्नी का स्वरूप हो तुम। तुम्हारे बिना ये जीवन अधूरा है, तुमसे ही ये धरती तृप्त होती है। इस समूची धरती पर जीवन का आधार हो तुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं पूजा लूथरा सचदेवा, जो कि वार्ड नंबर 21 से पार्षद हैं और आम आदमी पार्टी की टिकट पर ये विजयी हुई हैं। ये एक सफल गृहिणी हैं और इसके साथ ही एक कुशल अध्यापक भी। उसके बाद एक तीसरा दौर आया राजनीति का, जब ये पार्षद बनी और इनके द्वारा वार्ड वासियों का दिल जीता गया और वार्ड वासियों ने वोट के जरिए इन्हें तोड़ दिया। आज महिला दिवस पर इनके साथ बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से इनका बचपन रहा, किस तरह से इनके बाद इनकी शादी के बाद की जिंदगी रही और अब ये पार्षद बनकर किस तरह की सोच रखती है। कि सबसे पहले नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जी। किस तरह का बचपन रहा और किस तरह की स्टडी रही, इसके बारे में आज हमारे ये दर्शकों को जानकारी दी। जैसे कि अगर मैं अपने बचपन की बात करूँ तो जो मेरी मदर मुझे बताते हैं कि किन हालातों में मेरा जन्म हुआ। सबसे पहले मेरी एक बड़ी सिस्टर है, उसके बाद परिवार में दूसरे नंबर में मैं आती हूँ। और जिस टाइम पर मेरा जन्म हुआ तो मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि परिवार में जब तू हुई तो एक्सपेक्टेशन की जा रही थी कि बेटा होना चाहिए, लेकिन मेरा जन्म हुआ और यहाँ पर है डॉक्टर हर्ष नुगला जी का हॉस्पिटल था, वहाँ पर मेरा बर्थ हुआ। तो मेरी मदर मुझे बताते हैं कि जब मैं हुई थी तो उस टाइम पर मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा था और जब मैं हुई तो अगर हम लोग ये बात करें ना कि परिवार में बेटे की उम्मीद थी, तो मेरी मदर ने जैसे मुझे बताया कि इतनी ज़्यादा प्यार, मतलब जब मैं हुई तो मुझे दिया गया और उसमें मुझे ये चीज़ बताई गई कि फौरन मुझे घर लेके आए। और घर आए और मेरी बुआ जी ने बोला कि मतलब मेरी रोने की जो आवाज़ थी ना वो बिल्कुल लड़कों की तरह थी। तो मेरी बुआ जी ने मेरे पापा को बोला कि मेरे फादर का नाम सुभाष था, तो उनको बोला कि सुभाष तेरे घर बेटा हुआ है तो मुझे ना कुछ लेके देना। तो मेरे फादर ने बट मेरे फादर को पता चल गया था कि बेटा नहीं बेटी हुई है, तो मेरे फादर ने यही बोला कि कोई बात नहीं, तेरे को क्या चाहिए मैं तेरे को भी लेके देता हूँ। तो मेरी मदर ने बताया कि मेरे फादर ने मेरी बुआ जी को मेरे होने पे सोने की चेन बना के दी, जो मेरी बुआ जी ने आज तक भी संभाल के रखी हुई है। उसके बाद मेरी जैसे मतलब मुझे परिवार में काफ़ी प्यार मिला। सेकंड नंबर पे थी मैं और यहाँ पर ये था कि मेरे फादर जब भी घर में आते थे, अगर कोई स्पेशल चीज़ आती ना तो बाहर से मेरे फादर ने मुझे आवाज़ लगानी है। मुझे एप्पल बहुत पसंद थे, मेरे फेवरेट थे एप्पल। जिस दिन कोई स्पेशल चीज़ आनी तो पापा ने बाहर से आवाज़ लगानी, पूजा दरवाज़ा खोल। और आम दिनों पर रूटीन में आवाज़ लगती थी कि शक्ति, मेरी बड़ी सिस्टर नाम शक्ति था। और उसके बाद मेरे ब्रदर को कभी, बहुत रेयर। और इसके बाद जब मैं आगे बड़ी हुई, मतलब मेरे फादर का ये था कि मेरा बेटा पढ़े या ना पढ़े बट मेरी दोनों बेटियां पढ़नी चाहिए। जहां तक मेरे नाम का सवाल है कि मेरे नाम के साथ पूजा लूथरा नाम जुड़ा हुआ है। और कई लोग मेरे से पूछते हैं कि आमतौर पर शादी के बाद सचदेवा पर एक नाम क्यों नहीं लगाया गया, तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है। ये कह लो कि मेरी लाइफ में मुझे मोटिवेशन इस स्टोरी ने दिया। फिफ्थ क्लास में, उस टाइम पर बोर्ड की क्लास होती थी और फिफ्थ क्लास में नेम जाते थे, तो फादर ने मेरे जैसे फॉर्म फिल किया, सिस्टर का और मेरी दोनों का फॉर्म फिल किया, सिस्टर के नेम पे भी शक्ति लूथरा लगा दिया और मेरे नेम के साथ लगा दिया पूजा लूथरा। स्कूल में मेरे फादर फॉर्म लेके गए और जाके टीचर के आगे डिपॉजिट कर दिया। तो मेरे जो टीचर थी आशा मैम थे, आशा बैल मैम, उन्होंने बोला कि भी भाई साहब आपने नेम तो लिखवा दिया लेकिन सारी ज़िंदगी इसके साथ लूथरा चलेगा। तो मेरे फादर कहते कि नहीं, मतलब मेरे को चाहिए कि मेरी जो मेरी बेटियां हैं ना, मतलब कल को उनके साथ मेरा नाम चले और मरने के बाद भी लोग लोगों के अंदर सुभाष लूथरा मरे नहीं जिंदा रहे। तो इसीलिए उन्होंने नाम लगाया, कहते नहीं पूजा लूथरा चलेगा। मेरी मदर ने भी काफ़ी कहा कि नाम नहीं, मतलब लूथरा ना लगाओ, पूजा चलने दो, बट नहीं चलाया। अब आगे बढ़ी स्कूल लेवल पे या कुछ भी है, पढ़ाई में मैं ज़्यादा अच्छी नहीं होती थी,
मुझे पढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं था। स्कूल में भी मेरा दिल करता तो पढ़ के जाती थी, नहीं दिल करता तो नहीं पढ़ के जाती थी। एक दिन मेरे फादर को पता चल गया मेरे नंबर आए कम, मैथ में मैं अच्छी नहीं होती थी पढ़ने में बिल्कुल भी, पढ़ लिया तो ठीक है नहीं पढ़ी तो ठीक है। मेरे नंबर आए 100 में से 29, तो टीचर ने मुझे ना ग्रेस नंबर दे के 33 कर दिया। मैं बड़ी खुश कि चलो पास तो होगी, घर जाके मारनी पड़ेगी। घर गई, जाके मेरी सिस्टर बड़ी इंटेलिजेंट होती थी, मेरी सिस्टर ने जाके मेरे पापा को पहले ही बता दिया कि ऐसे ऐसे पूजा के नंबर इतने आए हैं। अब जाके मेरा स्वागत तो क्या होना था, आगे मैं क्या करती थी, साइकिल पे हम लोग स्कूल जाते थे। घर एंटर करने से पहले मेरा एक रुझान था कि मैं एक सॉन्ग जरूर बोलती थी, मोस्टली मैं सॉन्ग बोलती थी तुत्तक 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 तूतियाँ हाई जमालो आजा तुत्ता वाले खूते। मैं वो सॉन्ग बोल के बड़ी आराम से अंदर एंटर की। मेरे फादर ने मेरा साइकिल लिया, कहते हाँ बेटे घर आ गई। मैं कह हाँ जी रेडी मैं आ गई, मेरे को क्या पता, बड़ी खुश बड़े आराम से। और पापा मैंने साइकिल अंदर किया, साइकिल को स्टैंड लगाया, मेरा बैग उतारा, मैं बड़ी प्राउड। मैं डैडी कहते भी पास होगी, मैं कह हाँ जी डैडी पास होगी मैं। कहते कितने नंबर आए ने, मैं क्या डैडी मैडम ने पास करता मेरे 3 नंबर से, मैंने ग्रेस देखे 33 नंबर काटते। अब वो 33 नंबर सुनने के बाद मेरे फादर ने मेरी पीठ पे एक मुक्का लगाया, बड़ी जोर से पंच किया, और मेरे फादर का वो पंच मेरे लिए एक जादू मिरेकल का काम किया। मेरे फादर ने मेरी कमज़ोर नब्ज़ को पकड़ लिया कि मैं इंटेलिजेंट हूँ लेकिन पढ़ना नहीं चाहती हूँ, या मुझे कोई सही टीचर नहीं मिला, ट्यूटर नहीं मिल रहा। तो मेरे फादर ने उस टाइम पर, हम लोग देखते हैं कि परिवार की आमदनी क्या थी, फादर मेरे गवर्नमेंट जॉब में थे, महीने की 20 तारीख को हमारे घर में 1 रुपया भी नहीं होता था। मेरी मदर ने जो सेविंग की होती थी उसको संभाल संभाल के रखते थे कि हमें कोई ट्यूशन फीस देनी है या बच्चों ने कोई एक्स्ट्रा लेनी है। और जहाँ तक नए कपड़ों का सवाल है, वो या तो हमें बर्थडे पे या दिवाली पे मिलता था। अपने घर की हालत हमें पता होती थी और हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि किसी भी, अगर बच्चे का बर्थडे भी है ना तो हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि हम उस बर्थडे पर भी 1 रुपया भी मांग जाएं या किसी को गिफ्ट भी दे जाएं। तो यही कुछ चला। उसके बाद मेरे फादर ने मेरी जो कमज़ोर नब्ज़ को पकड़ा, और मुझे हमारे घर के पास एक टीचर थे केशव नंद सर, आज भी हैं सर की मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मुझे जहाँ ही मिल जाए मैं सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक बना दिया। सर ने मुझे उस टाइम पर, सर की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती थी और मेरे फादर पे नहीं कर सकते थे, लेकिन मेरे फादर ने फिर भी इतना ज़्यादा सेक्रीफाइस किया उस टाइम पर। उस टाइम पे एक टीचर की जो पे थी, सर ने फीस मांगी, सर मेरे पापा ने बिना कुछ कहे यस बोल दिया कि हाँ फीस पे की जाएगी। मैं सर के पास जाना शुरू किया, सर ने मुझे बेसिक्स क्लियर करने शुरू किए मैथ्स के और इंग्लिश में, जैसे वॉइस के, नरेशन के या ग्रामर के रूल बताए, वो उनके बताए रूल्स और उनका करवाया मैथ्स, मुझे आज भी मेरे लिए एक ये कह लो कि एक जन्म घुट्टी जिसे बोलते हैं वो साबित हुआ। और उसके बाद 7th क्लास 8th क्लास 9th क्लास, वही पूजा जो 6th तक नहीं पढ़ती थी, 7th या 8th क्लास में वो अपने स्कूल में टॉपर होती थी। किसी बच्चे को कोई दिक्कत आती बच्चा मेरे से आके पूछता था, और अगर मैं आज पढ़ाई कर सकी हूँ तो वो मेरे फादर की हेल्प से। दूसरा, उसके बाद +2 तक, जैसे 25 अप्रैल 2001 में मेरे फादर की डेथ होगी, और उस टाइम पर मेरी +2 के एग्ज़ाम हुए थे और मैंने JET का पेपर दिया हुआ था। और मेरे फादर जैसे खुद भी जैसे सेंट्री इंस्पेक्टर में आ जाते हैं, मलेरिया वर्कर में आते हैं, तो उनका एक सपना था कि मैं लेबोरेटरी कोर्स वगैरह करूँ। तो JET करने का मेरा मोटिव यही था कि मैं लेबोरेटरी कोर्स करूँ, लेकिन पापा के सडन डेथ के साथ जो था मेरा, एक तरह से ये कह लो कि मेरा एक दिल टूटना शुरू हो गया। मैंने घर में बात करनी बिल्कुल बंद कर दी, क्योंकि मेरे फादर की डेथ बहुत अचानक हुई थी, मतलब एक दिन जस्ट ये कह लो कि अटैक के कारण मेरे फादर की डेथ हुई थी। और वो चीज़ हमारे परिवार में एक बिल्कुल ये कह लो कि बिग चेंज था हमारे सारी फैमिली के लिए, क्योंकि उसको एक्सपेक्ट कैसे करें, घर में कोई कमाने वाला सोर्स नहीं है। तो मेरी मदर ने जैसे तैसे मतलब हमें पढ़ाया, और अगर मैं कहूँ कि आज मैंने BEd की है, मैंने BA की है, या मैंने MA की है, या मैं स्कूल में जॉब लगी हूँ, तो मेरे फादर के बाद मेरी मदर का उसमें सबसे बड़ा रोल है। क्योंकि पहले लाइफ में मैं पढ़ती नहीं थी, मुझे मेरे फादर ने पढ़ना सिखाया, और लाइफ में स्टैंड करना, लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, एक हम कहते हैं ना कि वुमेन की रिस्पेक्ट करना, ये मुझे मेरी मदर ने सिखाई है। क्योंकि मेरी मदर ने उस टाइम पर उस हालात में सारी फैमिली को, सारे रिश्तेदारों को एक जगह पे रख के हमें, मेरी सिस्टर को और मुझे पढ़ाया, और हमें इस लायक बनाया कि आज हम
जिंदगी के उन मुकाम पे हासिल है जो शायद मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं आऊंगी या आ पाऊंगी। और इसमें अगर मैं बात करूं, मेरे ब्रदर का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उस टाइम पर मेरा ब्रदर बहुत छोटा था। और जब मेरे फादर की जॉब लगने की बात आई तो फैमिली में बात चली कि जो जॉब है या तो मदर को दी जाएगी या सिस्टर को या मेरे को दी जाएगी। लेकिन हमारी फैमिली में सिर्फ एक ही चीज़ थी, मतलब सिस्टर ने भी जैसे शादी होकर चले जाना था, मेरी भी हो जानी थी, तो हमें ये चीज़ थी, हम तीनों, मेरी मदर का, मेरा या मेरी सिस्टर का, एक ही था कि कल को फैमिली में ब्रदर के पास ये चीज़ रहनी चाहिए ताकि अपनी फैमिली को चला सके। क्योंकि अगर हमें जॉब लग जाएगी तो कल को हमारे हस्बैंड कमाते होंगे तो हम लोग अपना घर बड़ी इजी चला सकते हैं। और अगर हमें एक क्वालिटी है अपने आप को एस्टेब्लिश करने की, तो हम कहीं भी अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेंगे। तो जॉब की प्रेफरेंस मेरे ब्रदर की रखी गई, और भगवान से शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो है वो जॉब मेरे ब्रदर को लगी है, वो मेरे फादर की वजह से, मेरी मदर की वजह से। और आज मेरा ब्रदर एक अच्छी पोस्ट पर है। मेरे इसमें भगवान का, मेरे फादर का, मेरी मदर का बहुत बड़ा रोल है। जहाँ तक मैं बात करूँ कि मुझे मेरे अंदर इंस्पिरेशन कैसे आई, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया, आत्मनिर्भरता कैसे आई, तो उसके लिए मेरे मदर और फादर के साथ मेरे हनुमान जी का, मेरे बजरंग बली का बहुत बड़ा रोल है। 8th क्लास से मैं हनुमान मंदिर जा रही हूँ, और उस दिन से जब मैं पहले दिन हनुमान मंदिर गई थी तो मेरे अंदर शायद कॉन्फिडेंस जीरो था। मुझे किसी पंडित ने बोल दिया कि ये लड़की पढ़ नहीं सकती है और इसको पढ़ने में ना बड़ी मुश्किल आएगी। तो जब उसने बोला, मैं घर आके बड़ा रोई, तो किसी पंडित ने बोला कि मेरी मदर को कि इनको मंगलवार के व्रत रखवाने शुरू करो। तो मेरी मदर ने किसी से बात नहीं करी और मेरे को बोला कि पूजा तो रख लेगी, मैं खाने की बड़ी शौकीन थी। अब मेरे को वो हफ्ते का एक दिन भी भारी पड़ना शुरू हो गया। मैंने कहा ठीक है, पर मेरे को ये था कि मुझे पढ़ना है, क्योंकि मेरे अंदर जो मेरे फादर ने एक इंस्पिरेशन या एक मोटिवेशन मुझे दी थी कि पढ़ना है, क्योंकि मेरे फादर ने ये कहा था, कहते यहाँ तो पढ़ ले या फिर घर बैठ जा और घर में घर का काम करना सारा सीख ले। पर मुझे ये था कि नहीं, क्योंकि मैंने ख्वाब बड़े ऊंचे देखे थे, क्योंकि मैं दूसरी वुमेन से, इंदिरा गांधी से या मदर टेरेसा से, इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर थी। तो मुझे ये था कि लाइफ में कुछ करना है तो ये चीज़ों के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, कुर्बानी करनी बहुत ज़रूरी है, दिन रात लगाना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने इन चीज़ों को ध्यान में रखा, और उसके बाद मैंने अपनी जो स्टडी को कंटिन्यू रखा, और हनुमान जी की कृपा से मैंने हर साल व्रत रखने शुरू किए और मैं स्टडी में आगे जाने शुरू हो गई। उसके बाद जब मैं स्कूल गई तो स्कूल में भी, पहले मैंने SD स्कूल में जॉब की है, लेकिन SD स्कूल से पहले मैं आपको छोटा सा किस्सा बताना चाहती हूँ। मैंने सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में, अभी मेरी BA कंप्लीट नहीं हुई थी, अंडर BA थी मैं, मेरी BA फाइनल ईयर रहती थी, और मेरी जो ग्रेजुएशन है वो GND यूनिवर्सिटी से है। मैंने प्राइवेट में GND यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट की है अपनी। तो मैंने SVM स्कूल में, सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में जॉब की है। वहाँ मुझे हार्डली 1000 रुपीज़ पे जो थी, पे जॉब मैं लगी थी। तो पहले महीने मुझे जो थी बहुत कम पे मिली, क्योंकि 20 days ही मेरे फर्स्ट मंथ के बने थे, तो 20 days के हिसाब से मुझे वो मतलब पे लेके मैं घर पे आई। और आके मैंने अपनी मदर से ये बोला कि ये पे ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये कह लो कि मेरी ज़िंदगी की पहली कमाई है। तो लाइफ में मैंने 1000 रुपये पर, 500 रुपये पर भी काम करना बुरा नहीं समझा, और शायद उसी के सदका, उसी के बदौलत ही मैं लाइफ में आगे बढ़ पाई। क्योंकि जब हम शुरुआत 100 से करेंगे तो 200 पे पहुंचेंगे, 200 से करेंगे 300 से। और सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल ने मुझे जो ग्राउंड दिया, उससे बच्चों पर मेरा, बच्चों ने मेरे पे फेथ दिखाना शुरू कर दिया, बच्चे मेरे से घर पे ट्यूशंस पढ़ने आने शुरू हो गए, और जो पेरेंट्स थे मेरे पढ़ाने के तरीके से काफ़ी इंस्पायर्ड हुए। और इसके बाद मैंने SD स्कूल में भी साल जॉब की, उसके बाद SKB DAV 2007 में मैंने SKB DAV स्कूल में जॉब करनी शुरू की थी, और स्टिल जो नवंबर 2020 तक मैंने वहीं पर ही जॉब की है। और उसके बाद आप सबके सामने हूँ कि जैन में 19 जैन को मैंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया था, और मेरे फादर इन लॉ जो डॉक्टर बिशंबर सचदेवा और मेरे हस्बैंड अजय सचदेवा की हेल्प से, अब जब हम लोग शादी के बाद की बात करते हैं तो शादी के बाद मेरे जो प्रेरणा थे वो मेरे हस्बैंड थे। मुझे उन्होंने कभी भी लाइफ में कुछ भी करने से नहीं रोका, कुछ भी, मतलब
कहीं जाना है तो अनमैरिड टाइम में मेरे फादर ने मेरा साथ दिया, और जब मैं मैरिज के बाद आई तो मेरी जो थी 2010 में मेरे घर बेटी हुई, मेघा नाम है उसका, और 2013 मेरी छोटी बेटी यशिका हुई। और जिस टाइम पर मैंने मतलब मेरे बच्चे हुए, तो ये कहते हैं ना कि बेटियाँ अपनी किस्मत अपने साथ लेके आती हैं, तो यही हुआ मेरे साथ कि मेरे बच्चों की बदौलत ही मैं लाइफ में आगे बढ़नी शुरू हुई, मेरा घर परिवार ये चीज़ें बढ़नी शुरू हो गई। लेकिन इसके लिए हम लोग अगर ये कहें कि मैं अकेली स्टैंड हो गई, तो ये नहीं, इसमें मेरा अकेले का कोई रोल नहीं है। इसमें आपकी बैकग्राउंड, आपके जो पेरेंट्स की इंस्पिरेशन, आपके मैरिज के बाद आपके सास ससुर या आपके हस्बैंड या आपकी फैमिली में जो आपका देवर है देवरानी है उनके या आपके बच्चों की कितनी आपके साथ सपोर्ट है, ये चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। और मेरी लाइफ में चाहे मैं बात करूं अनमैरिड टाइम में अपने फादर की या मदर की, ब्रदर या सिस्टर की, या मैरिज के बाद करूं अपने बात करूं अपने फादर इन लॉ की, मदर इन लॉ की, अपने हस्बैंड की, या अपने देवर की, या अपने बच्चों की, तो इन सब ने मुझे लाइफ में काफ़ी इंस्पायर्ड किया। जो मोटिवेशन मुझे इनसे मिली है शायद वो मेरे लिए इतनी ज़्यादा है कि मैं उसका कर्जा अपनी लाइफ में कभी नहीं चुका पाऊँगी। क्योंकि अगर आपको आपके आपके जीवन में आपके हस्बैंड की या आपकी मैरिज के बाद सबसे बड़ी सपोर्ट आपकी फैमिली की होती है, अगर आपके साथ वो हो तो आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। और आज मैं राजनीति में हूँ तो उसका सबसे बड़ा श्रेय मेरे फादर इन लॉ डॉक्टर बिशंबर सचदेवा को जाता है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। 19 जन को मैंने पार्टी को ज्वाइन किया, और पार्टी ज्वाइन करने के बाद मेरे फादर इन लॉ बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा। इवन मेरे फादर इन लॉ ने 19 जन को ही रात को सारी प्लानिंग कर ली कि हम लोग इस तरह से वार्ड में जाएंगे, इस वार्ड में मेरे को ये पर्सन जानता है, हम इसके पास जाएंगे, ऑफिस को मैं संभालूंगा। लेकिन भगवान को शायद कुछ और मंजूर था, और 20 जन को मेरे फादर इन लॉ जो थे एक्सपायर्ड हो गए, उनकी डेथ होगी सडन। तो ये कहूँ कि उसके बाद शायद मैंने ये बिल्कुल विचार त्याग दिया था कि मैं टिकट लूँगी या मैं MC के इलेक्शन को मैं आगे जाऊँगी। क्योंकि जब हम लोग ऐसे कामों में आगे जाते तो हमें कई बार अपनी समाज का अपने परिवार के बारे में सोचना पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में ये भी सोच थी कि अगर मैं ये इलेक्शन में नहीं जाती हूँ, हारना ये जीतना तो बात की बात है, लेकिन अगर मैं इलेक्शन नहीं लड़ती हूँ तो कहीं ना कहीं जो मेरे फादर इन लॉ का ड्रीम है या मेरे खुद के फादर का ड्रीम है वो कहीं रह ना जाए। कि लूथरा और सचदेवा दो चीज़ों को देखने का, अगर मेरे साथ आज पूजा लूथरा सचदेवा जुड़ा है तो उसमें मेरे फादर का और मेरे फादर इन लॉ का एक सराहनीय योगदान है जिसको मैं शायद अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलूंगी, कभी भी नहीं भूल सकती। आज ये दोनों ही दुनिया में नहीं है, लेकिन इन दोनों ने जो मुझे आशीर्वाद दिया है बचपन से लेकर अब तक की लाइफ में, और आगे भी इनका आशीर्वाद मेरे पर बना रहेगा, ये मुझे है कि अगर मैं आज यहाँ बैठी हूँ तो एक तरफ मेरे फादर बैठे हुए हैं और एक तरफ मेरे फादर इन लॉ बैठे हुए हैं जो मुझे इस टाइम पर अपना सहयोग दे रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। और अगर मैं आज MC की इलेक्शन जीतती हूँ तो उसमें मेरे वार्ड वासियों का योगदान है, मेरे जो परिवार का योगदान है, मेरे हस्बैंड का योगदान है, मेरे फादर इन लॉ का योगदान है जो सबसे बड़ा है। क्योंकि जब मैं वार्ड में चलती थी तो मुझे मेरे नाम से नहीं, मेरे फादर इन लॉ के नाम से जाना जाता था। ये कहते थे डॉक्टर बिशंबर सचदेवा की बड़ी नूँह आ गई, बड़ी बहू आ गई। तो इस चीज़ से मुझे बड़ी इंस्पिरेशन मिलती थी कि चलो बड़ों के नाम से जाने जाना ही बहुत बड़ी चीज़ है। एक अगर मैं अपनी लाइफ में कुछ पाने की बात करूं तो मेरी लाइफ में जो मैंने चीज़ पाई है वो पाया है आप सब लोगों का प्यार जो मुझे इस टाइम पर मिला है, सब लोगों की सपोर्ट। और इस सपोर्ट ने मेरे लिए जो मिरेकल का काम किया वो मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सकती। और इस सपोर्ट के सदका ही, आप सब लोगों के आशीर्वाद के सदका ही मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ, आगे बढ़ती रहूँगी। और हमेशा आप अपना जो आशीर्वाद है मुझ पर ऐसे ही बनाए रखना ताकि मैं आपके लिए वो सब काम कर सकूँ जो उम्मीदें आप लोगों ने मेरे साथ लगाई हैं। और इसके बाद मैं एक बार अपने हनुमान जी का, अपने वार्डवासियों का, अपने फादर का, अपनी पूरी फैमिली का, अपने फादर इन लॉ का और पूरे फाजिलका वासियों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जी, आपके द्वारा अपने लाइफ के बारे में बताया गया, बहुत अच्छा लगा। तो आगे का क्या प्लानिंग है, किस तरह से आपने प्लानिंग की है? MC तो आप बन गए, लोग बता रहे हैं कि MLA अब आपको बनाना है, तो इसके बारे में क्या?
सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि जो मुझे फाजिल्का के वासियों ने अपना प्यार दिया है, बेशक मैं चुनाव वार्ड 21 से लड़ी हूँ, लेकिन मैं जहाँ भी जाती हूँ भगवान की दया से या अपने सारे वार्ड वासियों की दया से लोग मुझे हर जगह पर जानते हैं। अगर मैं जाकर ये कह दूँ ना कि मैं वार्ड 21 से चुनाव लड़ी थी तो लोग मुझे अपने आप ही मेरा नाम ले लेते हैं, पूजा लूथरा सचदेवा। तो मेरे लिए मेरे लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट है, जो मैं सोच भी नहीं सकती थी, आज मुझे वो मुकाम हासिल हुआ है। जहाँ तक आगे की प्लानिंग की बात है तो आज तक भगवान ने या मेरे वार्ड वासियों ने या मतलब फाजिलका वासियों ने मुझे सपोर्ट दिया है, तो आगे भी मेरी किस्मत होगी तो मैं आगे भी ऊपर ऊंचाइयों तक ज़रूर जाऊंगी। राजनीति में आने का मेरा जो मोटिव था वो सिर्फ एक ही था कि मैं अपने समाज, अपने देश या और अपने इलाके की भलाई कर सकूं, समाज सेवा कर सकूं, लोगों की समस्याओं से जुड़ सकूं और देश में फैला जो भ्रष्टाचार है उसको मैं दूर कर सकूं और जो आम लोग हैं उनको सुविधाएं प्रोवाइड हो और उन तक जो हक है वो पहुंचे। आज वुमेन डे के मौके पे मैं अपने देश, अपने वार्ड, अपने फाजिलका इलाके की सारी महिलाओं को बस यही कहना चाहती हूँ कि देश में बदलाव लाने का जो काम महिलाएं कर सकती हैं वो कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि एक महिला के साथ उसका पूरा परिवार और उस परिवार के साथ पूरा समाज जुड़ा होता है। और मैं सारी महिलाओं से, अपनी बहनों से, माताओं से बेनती करूंगी कि वो इस काम में आगे आए और अपने समाज को बदलने में पूरा सहयोग दें और अपना आशीर्वाद मेरे पे यूं ही बनाए रखें। जी धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए करके। तो आरबी लाइव मीडिया की तरफ से आपका धन्यवाद और महिला दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मैं वुमेन डे के अवसर पर, महिला दिवस के अवसर पर जो फाजिलका के या पूरे जो देश के नारियों के लिए एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। नारी तुम प्रेम हो, आस्था हो, विश्वास हो। नारी तुम प्रेम हो, तुम आस्था हो, विश्वास हो। टूटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आस हो। टूटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आस हो। हर जान का तुम ही तो आधार हो। हर जान का तुम ही तो आधार हो। नफरत की इस दुनिया में तुम ही तो प्यार हो। नफरत की इस दुनिया में तुम ही तो प्यार हो। उठो उठो अपने अस्तित्व को संभालो। उठो अपने अस्तित्व को संभालो। केवल एक ही नहीं, हर दिन के लिए तुम खास हो। हर दिन के लिए तुम खास हो। महिला दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं।